हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण फ्रॉम टेक्निकल ट्यूटोरियल पॉइंट। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम बात कर रहे हैं HSBTE के न्यू नोटिफिकेशंस की बात कर रहे हैं। HSBTE ने न्यू नोटिफिकेशन निकाला है आपके एकेडमिक कैलेंडर से रिलेटेड। HSBTE ने अपना एकेडमिक कैलेंडर एक्सटेंड कर दिया है। देखिए, एक्सटेंशन ऑफ एकेडमिक कैलेंडर, उन्होंने जो अपना एकेडमिक कैलेंडर है वो 5 फरवरी 2021 तक एक्सटेंड कर दिया है। मतलब जो बच्चे इस टाइम थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर की क्लासेस ले रहे थे, अब उन बच्चों को और टाइम मिल गया है। वो अब कॉलेज में अपने रिवीजन पर्पस से जा सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो HSBTE ने ये नोटिस निकाला है। देखिए उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिख के भेजा है स्टूडेंट के लिए कि भाई रिवीजन ऑफ सिलेबस और डाउट क्लेरिफिकेशन का उनको टाइम मिल गया है बच्चों का, क्योंकि पेपर का जो मोड है वो ऑफलाइन है, ताकि बच्चों को थोड़ा सा टाइम मिल जाए और वो अपनी प्रिपरेशन कर सके। इसलिए उन्होंने जो अपना एकेडमिक कैलेंडर है उसको एक्सटेंड कर दिया है 5 फरवरी 2021 तक। तो देखिए, अगर आप अंदाजा लगाएं तो 5 फरवरी तक आपका एकेडमिक चलेगा। 5 फरवरी तक एकेडमिक चलेगा तो नॉर्मल सी बात है आपके, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल होंगे। और जो इन्होंने पहला नोटिस निकाला था, जिस पर मैंने वीडियो बनाया था कि 20 जनवरी से आपके पेपर स्टार्ट है रीअपियर के, तो रीअपियर के एग्जाम हो जाएंगे। उसमें भी उन्होंने क्लियर किया था कि एग्जाम थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के नहीं होंगे, एग्जाम होंगे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के, वो भी रीअपियर के एग्जाम होंगे। ठीक है, वो एग्जाम चलेंगे आपके 10 फरवरी तक। तो जब 10 फरवरी तक एग्जाम चलेंगे आपके रीअपियर के, तो उसके बाद आपके जो एग्जाम स्टार्ट होंगे वो स्टार्ट होंगे आपके थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके मेन के, और जिन बच्चों की थर्ड में रही है उनके रीअपियर के, या जिन बच्चों की फिफ्थ में जो पास आउट हो चुके हैं उनकी फिफ्थ में रही है तो उनके फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम जब उनके साथ होंगे। तो ये उन्होंने टाइम दिया है बच्चों को कि भाई रिवीजन ऑफ सिलेबस और डाउट क्लेरिफिकेशन का, और कॉलेजों से बोला है टू एंगेज फिजिकल क्लासेस फॉर सच स्टूडेंट हु डिड नॉट हैव एप्रोप्रिएट एसेस और कंफर्टेबल विद ऑनलाइन क्लासेस। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में किसी वजह से थोड़ा बहुत नहीं पढ़ पाए या पूरा नहीं पढ़ पाए, जो भी उनकी प्रॉब्लम रह गई है, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए टाइम दिया गया है। वो कॉलेज जाएं, फिजिकल क्लासेस लें, अपने डाउट क्लियर करें। उसके साथ ही उन्होंने ये भी इंश्योर किया है कि जो इस बार एडमिशन हुए हैं हमारे 31 दिसंबर तक, अब कल तक उनके एडमिशन आपके चलेंगे, तो उनका जो सेमेस्टर स्टार्ट होगा वो 1 जनवरी से होगा। तो उनके लिए भी उन्होंने भेजा है कि टू एंश्योर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस ऑफ द स्टूडेंट विद लेट एडमिशन बाय एंगेजिंग एक्स्ट्रा क्लास। तो आप ये इंस्टीट्यूट को बोला है कि एक्स्ट्रा क्लासेस लेके आप इन बच्चों का भी सिलेबस 5 फरवरी तक, आप अपना 5 फरवरी तक अपना क्लियर करवा दे। इसके बाद उन्होंने बोला है कि टू कंडक्ट दी प्रैक्टिकल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्निकल कंसेप्ट। देखिए भाई, ऑनलाइन में प्रैक्टिकल तो हो नहीं सकते, इसलिए उन्होंने भेजा है कि टेक्निकल कंसेप्ट बच्चों का क्लियर हो सके, इसलिए आप प्रैक्टिकल भी आप जाके कॉलेज में कर सकते हैं और कॉलेज को भी ऑर्गेनाइज करवाने पड़ेंगे प्रैक्टिकल, ताकि बच्चा टेक्निकल नॉलेज अच्छे से ले सके। तो आप इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं, जब 5 फरवरी तक आपका एकेडमिक सेशन चल रहा है तो लगभग अगर उसके बाद भी वो स्टार्ट करें तो पहले प्रैक्टिकल होंगे, तो 8-10-12 फरवरी तक प्रैक्टिकल, तो ये 10-12 आप एक दिमाग में अंदाजा लेके चले, क्योंकि पेपर तो जब होंगे, जब HSBTE की डेट शीट आएगी या HSBTE का नोटिफिकेशन, न्यू नोटिफिकेशन आएगा। जैसे ही न्यू नोटिफिकेशन आएगा मैं वीडियो बनाऊंगा, जैसे ही आएगा कि भाई अब से पेपर स्टार्ट होंगे इनके, बाकी 5 फरवरी से तो पहले होंगे नहीं, होंगे 5 फरवरी के बाद। एक दिमाग में अंदाजा लगाया जाए तो लगभग 10-12-15 इस तरीके से, 15 फरवरी 18 फरवरी 10 फरवरी 12, तो इस एक अंदाजा है कि भाई इसके बीच में आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के। तो काफी टाइम है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। आपको एक सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए 5 to 6 days 7 days, और आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो 7×5=35 days में आपकी तैयारी अच्छे से हो सकती है, अगर आपके पास अच्छे नोट्स हैं तो। हमारा चैनल टाइम टू टाइम बच्चों की हेल्प करता रहा है हर तरीके से। जैसे पिछली बार ऑनलाइन पेपर हुए थे तो आप मेरे जो चैनल है उसमें अंदर अगर आप देखेंगे तो मैंने
आपके फाइनल ईयर के बच्चों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस घेरे थे, उसमें से काफी हद तक एमसीक्यू जो हमने घेरे थे उसमें से काफी हद तक एमसीक्यू बच्चों को वहां से मिल गए थे पढ़ने के लिए, जिससे बच्चों ने अच्छा स्कोर किया और बच्चे अच्छे से पढ़े उनको। तो हमारे जो नोट्स हैं, अब जो ऑफलाइन एग्जाम होगा उसके भी हमारे नोट्स तैयार हैंड रिटन नोट्स है, और वो इजिली एक बच्चा 5 to 6 days के अंदर आराम से क्रैश कोर्स करके अपना आराम से कंप्लीट कर सकता है। 5 to 6 days में एक सब्जेक्ट, तो 5 to 6 days में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करेगा तो लगभग आपका 30 days के अंदर, आपका 6 दिन में करता है तो 30 days के अंदर आपका पूरा सेमेस्टर का सब्जेक्ट आराम से क्लियर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए हो तो वो मैं व्हाट्सएप नंबर अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और जो सब्जेक्ट का आपको नोट्स चाहिए तो वो आप मेरे पास मैसेज कर देना, मैं आपको उसका सैंपल भेज दूंगा। अगर आपको सैंपल पसंद आए, कोई डेमो क्लास लेनी, डेमो क्लास पसंद आए तो आगे कन्वर्सेशन हम फिर नोट्स के लिए कर लेंगे आपके आफ्टर सेटिस्फेक्शन। तो और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। थैंक यू वेरी मच।